नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। आज है 9 सितंबर, तो चलिए झारखंड के 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,188 हो गई है, जबकि अब तक 65 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पिछले एक सप्ताह में राजधानी में जितने कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, उससे ज़्यादा ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 7 दिनों में रांची में 2364 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जबकि 2600 घर लौट चुके हैं। आज से कोविड-19 जांच के लिए रांची में 8 स्थानों पर स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर इस स्पेशल ड्राइव में जिले के 15,000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर मंगलवार को मोहराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में मास टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीम की ब्रीफिंग की गई। उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल और SDO समीरा एस ने स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीमों को सैंपल कलेक्शन और मास टेस्टिंग के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा के 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को सभा सचिवालय के सीनियर अफसर के साथ बैठक की। इस दौरान सत्र की तैयारियों पर गहन मंथन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सत्र की तैयारियों पर विशेष फोकस किया गया। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं विधायकों से अपेक्षा की गई कि वे अपना कोविड-19 की जाँच सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले करा लें। झारखंड में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में वज्रपात की चेतावनी जारी की है। ऐसे में आप सावधान रहे, घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहें। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात के साथ जोरदार बारिश हुई है। झारखंड में मानसून सक्रिय है। सोमवार को जोरदार बारिश के साथ वज्रपात भी हुई है। जोरदार बारिश का असर राजधानी रांची समेत कई जिलों में देखा गया है। रामगढ़ में वज्रपात से 2 की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को माने तो अगले 5 दिनों तक वज्रपात की आशंका है, इसलिए घर से जब भी निकले सावधानी रखें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी CM हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी। निशिकांत दुबे पर ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इससे आहत CM ने उन्हें कानूनी रूप से जवाब देने की बात कही थी। बंगाल पुलिस के एंटी बैंक धोखाधड़ी शाखा की टीम ने झारखंड में सक्रिय जामताड़ा गैंग के साइबर आरोपी के 7 सदस्यों को मंगलवार को धनबाद एवं जामताड़ा के विभिन्न गांवों से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कोलकाता के विभिन्न इलाकों में लोगों को कभी खुद का पेटीएम का अधिकारी तो कभी बैंक का अधिकारी बताकर ठगी करने में लिप्त था। इस दौरान मोबाइल से फोन कर बातों के जाल में फंसा कर उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपये गायब कर देते थे। कोरोना की दहशत से थोड़ी निजात के लिए अनलॉक ने लोगों को राहत दी है, जिसका आनंद लोग परिवार के साथ शहर के आसपास के प्रपात और झील पहुंचकर उठा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी किसी भी पर्यटक स्थल को खोला नहीं है, जबकि दुनिया के कई देश टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने लगे हैं। वहां की सरकार उसके लिए नए कायदे कानून बना रही है, पर्यटकों से उनका पालन करवा रही है। अपने यहाँ भी अब केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। अनलॉक हुआ और पर्यटक आने लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह कराया जाएगा, फिर से कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस दिशा में अब सरकारी प्रयास तेज हो रहे हैं। गाइडलाइंस भी आ चुकी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सप्ताह में पर्यटक स्थल पर भीड़ इकट्ठी हो जाए, इसके लिए हर जगह जाने के पहले ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था भी की जा सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में 15 सितंबर के बाद पर्यटक स्थल खुलने का संभावना है। बहाली नहीं होने से आक्रोशित होमगार्डों ने लातेहार कलेक्ट्रेट गेट किया जाम। 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने का विरोध। बहाली की सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने से आक्रोशित होमगार्डों ने मंगलवार को समाहरणालय के मुख्य गेट के 2 घंटे के लिए जाम कर दिया। इस दौरान गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारी ने आक्रोशित होमगार्डों की समस्या को सुन जल्द ही सरकार द्वारा इस मामले में अब तक लिए गए निर्णयों से अवगत कराया।
कोडरमा जिले के तलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजडी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित कोडरमा केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान कल सुबह करीब 8 बजे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में सभी घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। भाजपा का बयान, जनजातियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है हेमंत सरकार। भाजपा ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार राज्य के जनजातियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पतुल सावदन ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में यूजी और पीजी डिग्रीधारियों 17,000 से अधिक है, फिर भी शिक्षक की कमी की बात का इन युवाओं को मुख्यमंत्री नौकरी से वंचित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर मुख्यमंत्री ने अपने आदिवासी मूलवासी विरोधी चेहरे को स्पष्ट दिखा दिया है। इसी के साथ ही आज के झारखंड समाचार में इतना ही। डेली झारखंड के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप झारखंडी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।